मेरी मम्मी बिना हाथ छोड़ के इसको बैलेंस कर लेती है। मेरे से तो हो ही नहीं रहा। प्रैक्टिस तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ निंजालियो व्लॉग्स। आज का व्लॉग भी वहीं से शुरू हो रहा है, नहीं आज की सुबह वहीं से शुरू हो रही है जहां से कल का दिन ख़त्म हुआ था। सुबह सुबह का टाइम है, चिलचिलाती धूप अभी पड़ने नहीं लगी है और आ गए हैं हम सब खेत पे। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल दिवाली पर घर नहीं आना चाहिए था, अच्छा खासा कानपुर में मना लेता। फिलहाल मुझे काम दिया गया है कि मैं जो ये पत्थर जमे हुए हैं, मिट्टी के पत्थर, इनको फोड़ना है मेरा काम। ठीक है, चौक चौक दो दो। तो हुआ ये कि मेरी नाजुक हालत को देखते हुए, क्योंकि मैं धूप में काम नहीं कर पाता, तो घर वालों ने मेरे पे थोड़ी दया दिखा दी। इसका मतलब ये नहीं मुझे काम से छुट्टी देती, मेरे को ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि या तो मैं यहाँ पे काम कर लूँ या फिर घर पे जाके जो बाहर की सफाई बची है वो कम्प्लीट कर दूँ। तो मैंने थोड़ा सोचा और दो सेकेंड में जवाब दे दिया कि मैं घर पर काम करूँगा, यहाँ पर मेरे से नहीं होगा। अब शुरू होगी घसाई। काल में नहीं होगा। हाँ, काम तो ओके। लास्ट में मेरे साथ ही चोट हो गई, इन लोगों ने जल्दी छुट्टी ले ली यार, और ये सब घर आ चुके हैं और मेरे को अभी भी सफाई में लगा हुआ ही हूँ मैं तो। ये अन्याय है, ये अन्याय हुआ मेरे साथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सो फाइनली जितना मैंने बोला था उतना तो मैंने साफ कर दिया है। ये एरिया मैंने बोला था, ये एरिया क्लीन तो हो चुका है, पर मेरे को दुख इस बात का कि कल मुझे फिर सुबह उठ के खेत पे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आधा अधूरा काम करके आए हैं वहाँ पे। और माते, ओ माते, कुछ खाने को मैं बने मिलेगा? पास्ता बनाओ। पास्ता? ओ ये हमारे घर में ये पास्ता कब से बनने लगा हमारे घर? दही तो अचानक ही बहुत सारा काम कर लेता तो आपका शरीर का अंग अंग दर्द नहीं करता? वैसे दर्द कर रहा मेरे शरीर का अंग अंग, वो हालत हो गई है। तो अभी ब्लॉग की क्वालिटी की लंका लगी है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे 15 मिनट का ब्लॉग एडिट करने के लिए, देखो ये मेरा अभी का ब्लॉग है जो एडिट हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है बताऊँ? 15 मिनट के आसपास का ब्लॉग है, ठीक है। इसको रेंडर होने में, सिर्फ रेंडर होने में 57 मिनट लग चुके हैं अभी तक, 99% हुआ है और 57 मतलब मान लो 1 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, ठीक है। अब 1 घंटा तो उसको रेंडर होने में लगा और जब मैं इसको बनाता हूँ तब ये देखो इतना तामझाम करना पड़ता है, और अगर मैं इसको चलाऊँ तो इतना अटक अटक के ये रेंडर दिखाएगा, ये देखो कैसे अटक रहा है। मतलब मैं तो भगवान भरोसे इसको एडिट कर रहा हूँ व्लॉग्स को, ठीक है, अभी कि अगर कुछ म्यूज़िक इधर उधर हो गया, कुछ हो गया तो कुछ पता नहीं चलता मेरे को। एक बार रेंडर कर देता हूँ, देखता हूँ, अगर छोटी मोटी गलती है तो छोड़ देता हूँ, कोई भारी गलती हो गई है, म्यूज़िक कहीं पर कुछ ज़्यादा ही लग गया, तब मैं इसको रीरेंडर करता हूँ। तो अभी बस व्लॉग आ रहे हैं उसकी खुशी मनाओ, क्वालिटी से थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करो भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। व्लॉग कंटिन्यू आ रहे हैं, यही अच्छा है मेरे लिए तो फिलहाल, क्वालिटी थोड़ी रहने दो अभी। और आज मेरा माइक भी ख़राब हो गया था, अब से मुझे बिना माइक के शूट करना है, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने देखा कर कुर कुर कीर कर की आवाज़ आ रही थी,
तो मुझे माइक हटाना पड़ा क्योंकि लगता है इस माइक का जो ये माइक था माइक का ये वाला बैंड हो गया है, ये दिख रहा है बैंड हो चुका है ये, तो इसका वायर जो है टूट गया है, तब बिना माइक के मुझे शूट करना पड़ रहा है। और बिना माइक के भी बहुत डिसेंट क्वालिटी देता है, क्योंकि पहले मैं बिना माइक के करता था, तो बिना माइक के भी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, अब चलो नीचे चलते हैं, मैच का क्या सीन चल रहा है वो देखते हैं। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी तो है। अमित शांति, मैच चल रही है, 13-4 3 बॉल पे 6 नो बॉल 6 रन। चलो भाई मेरे सीता गीता वेस्ट नहीं होंगे। अब गोल्डन बॉल आई है, लड़ रहा यार अब एम्पायर कौन ही यार मैं कह रही हूँ यार, लड़बल आ गया यार लड़बल आ गया रुबंटे खा गया भाई पाकिस्तान वाला रुबंटे खा गया मैं कह रहा भाई यार देख यार भाई देखा मैं समझा रही यार रन भी एक रन मिली मिलियो अरे यार एक पे दो एक गेंद दो रन्स, एक गेंद बस बहुत बढ़िया। ये बंदा अपनी साइड है ये बंदा अपनी साइड है भाई ये तालियां उस बॉलर के लिए बज रही है सारी इतना टाइम नहीं है जिताओ खत्म करो और ये खत्म बस इसी के साथ जीत गए नहीं फोन खोल ले फोन खोल दो बूथ लगाओ अच्छा बूथ और नाटक लगा दो पहले इंडिया जीत गई बधाई हो जमाता मत कहो अब पाकिस्तान की तरफ भी लगा दो कौन से क्या आप कहीं भी देख ले भूत वाला वीडियो कौन सी वीडियो देखे भूत वाला अभी बोल ले मैं करा जाए रिसर्च करा जाए एक बार तो 24 पे था 18 पे बेटा बोल दिया कहीं लगाना तो गाइस अभी हम सब लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि किसी को पता ना हो पता जब मैं आया था तो पहले व्लॉग में मैंने बताया कि जो लक्ष्मी है उसकी बेटी जो है वो मतलब वो बच्चे को जन्म देने वाली है तो अभी जस्ट उसके पैर बाहर आए हैं तो यहाँ पे बैठ के हम सब वेट कर रहे हैं कि या तो नॉर्मल हो जाए या नॉर्मल ना हो तो हमें ही ऐसे पुश ऐसे पुल अप करना पड़ेगा पुश क्या पुल अप करवाना पड़ेगा सफेद जक है यार केड़ी है अंधेरा था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया वहाँ पे नहीं तो सब ओवरऑल सक्सेसफुल हो गया खाना खा ले फिलहाल के लिए खाने में है गोभी की सब्जी तो ठीक है कल फिर जाऊंगा खेत पे और मिलूंगा वहीं और लास्ट में जाते जाते वही बातें बोलूंगा जो हमेशा से बोलते जा रहा हूँ इस ब्लॉग को पहले देखना है आने वाले ब्लॉग्स को तो फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर लो इस वाले ब्लॉग को लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो मैं निंजा लियो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए साइनिंग आउट।